टर्मोइल अभी भी है, वो डाइवर्सिटी यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि 100% आदमी को आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम आप दे दीजिए, यहाँ किसी न किसी गली में आप देखेंगे शाहीन बाग होता रहेगा, किसान आंदोलन होता रहेगा सर। कि 1/3 MPs जो हैं और MLA जो हैं उनके ऊपर बहुत सख्त किस्म के वहाँ पर केसेस चल रहे हैं। Why all these political parties and जी don't come together and make a law कि भाई कोई भी जिस आदमी को ऊपर केस है जिसमें कम से कम 2 साल की सजा होगी हम उसको टिकट नहीं देंगे। इसका एक जवाब मैं आपसे चाहता हूँ और दूसरा जवाब जो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जो मतलब इस किस्म के लोग हैं जो इस वक्त हैं वो कहते हैं जी ये पॉलिटिकल केसेस हैं, आई डोंट केयर वो पॉलिटिकल केसेस, मैं केयर करता हूँ कि जब तक केसेस का फैसला नहीं हो जाता पॉलिटिकल हैं आप उनको किसी भी तरीके से पावर में मत लाइए। और सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस क्या वजह है कि पिछले 74 साल में एक सिंपल सिविल कोड बिल नहीं बन सका जो कि हिंदू हर कंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दो चीज़ें, सिविल कोड बिल मैं समझता हूँ कि दुनिया की एक जान होती है एक कंट्री की। डॉक्टर साहब आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, करप्शन और 1/3 जो आपने बोला परसेंटेज अभी बढ़ गई है, इनफैक्ट हर इलेक्शन में करप्ट लोगों के जिनके ऊपर केसेस हैं वो चाहे जैसे भी हों, और रही बात पॉलिटिकल केसेस तो दूर की बात है, बहुत संगीन केसेस भी हैं और ऐसे लोग जो है संसद में या इलेक्शंस को जो है जीत करके वो पहुंचते हैं। देखिए दो चीजें हैं, आपने बोला कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ये चीजें एक तरीके से पॉसिबल है इनको रोकना अगर हमारे नेता, मैंने पहले ही बोला हमारी लीडरशिप नेता और जनता इतनी मैच्योर हो जाए तो मैं बोलूंगा कि हमें रिटेन में संविधान की जरूरत ही नहीं है। अगर ये पूरा देश इतना डिसिप्लिन हो जाए तो हमें किसी भी रिटेन में संविधान की और गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गाइड कौन करता है, हमारे वैल्यूज, हमारे मोराल, हमारे इथिक्स जो कि गुलामी के कारण पूरे के पूरे खत्म हो गए हैं। पहले रिटेन में जब संविधान नहीं होता था तो पब्लिक डिसिप्लिन रहती थी तो उनको घर में ट्रेनिंग दी जाती थी क्या गलत है क्या सही है, वो भी एक होममेड आप संविधान आप उसको ये बोलिए वो था और वो ज्यादा प्योर होता था, करप्शन वगैरह कम होते थे। दूसरी चीजें मैं आपको बताऊं, देखिए अब पहले अंडा की पहले मुर्गी वाली बात, 70 साल में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और करप्ट लोग पहुंचते जा रहे हैं हु विल बेल द कैट। इनफैक्ट डेमोक्रेसी में अगर सबसे जो पॉलिटिशियन है उसका सबसे पहला टारगेट ये होता है कि कैसे भी हम अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखें, इलेक्शन जीते हमारी कुर्सी बची रहे। अब अगर ये करना है तो संविधान में ऑलरेडी मैंने शुरू में ही क्रिटिसाइज किया था कि हमारे संविधान की कमियां क्या है, इस तरीके से लूप होल है। अब लूप होल क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि जी जब तक ये कोर्ट से सिद्ध नहीं हो जाता कि ये दोषी है, और उसमें भी एक सिस्टम है कि मिनिमम 3 साल से ज्यादा की अगर सजा होगी तभी ये इलेक्शन के लिए अनफिट डिक्लेयर किए जाएंगे। एक आध महीने की सजा हो गई, एक आध साल की हो गई तो नॉट टू वरी, वो आप फिट है। अब यहां पे देखिए अगर हम हर चीज लिखित में देने लगेंगे तो इतना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी को क्या करना चाहिए, फिर इतने धर्म है पंथ है उनके लिए अलग अलग मान्यताएं हैं, तो कभी भी ये लिखा नहीं जा पाएगा। यहाँ पे एक मेजर रोल आता है जो कि मैंने शुरू में ही बोला है, पब्लिक को कभी भी ये कोच नहीं किया गया कि आपके ड्यूटीज क्या है, डिसिप्लिन क्या है डेमोक्रेसी में, जो लिखा है वो ठीक है। अगर पब्लिक को ही ये चीज समझ में आ जाए, पब्लिक रेशनल वोटिंग करने लगे और ये बोले कि ठीक है ये कल्प्रिट है, करप्ट है कि नहीं है, केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन हम नहीं देंगे। इतना ज्यादा जो डाइवर्सिफिकेशन है ये अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। इसको दो ही तरीके से जो है किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है कि या तो ऐसे लोग सत्ता में पहुंचे जो बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ हों, जो इस चीजों को बिलीव करते हो कि अपना पर्सनल रिस्क लेकर के भी हम चीजों को इम्प्रूव करेंगे और फोर्सफुल गलत लोगों के साथ अच्छी चीजों को हम फोर्सफुल भी इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब मैं आपको एक चीज बताऊं, इस पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मोस में बिना फोर्स के कुछ नहीं होता है। आप डॉक्टर हैं, आप मेडिसिन देते हैं शरीर में, वो भी कहीं ना कहीं डायनामिक्स को चेंज करती है, डायनामिक्स चेंज होता है वो फोर्स से चेंज होता है। तो फोर्सफुल डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करना अपने आप में भारत में बहुत बड़ा चैलेंज है, और पर्टिकुलर उस इथिक्स के साथ इंप्लीमेंट करना जिस कॉन्सेप्ट के साथ जो सोच के बनाया गया था हमारे
फोर फादर्स ने, उस वक्त के नेताओं ने बनाया था एक अच्छी कामना करते हुए, उसको एग्जैक्ट मतलब उसी वे में इंप्लीमेंट करवाना, ये एक अलग चैलेंज है सर। अब पर्सनल इंटरेस्ट जब भी सामने आ जाएगा, और दुख की बात है जो आपने बोला करप्शन क्यों होता है, अभी तक चीजें सुधरी नहीं, करप्ट लोग और कल्प्रिट लोग जो है संसद में पहुंचते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि मोरली और इंडिविजुअली यहाँ की पब्लिक और नेता बहुत वीक हो गई है, अपने सेल्फ को आगे कर देती है और कंट्री के सेल्फ को पीछे कर देती है, और यही कारण है आज सेलिब्रेशन की जगह कुछ लोग अपने सेल्फ के लिए विरोध भी कर रहे हैं, और उनका बस चले तो आग भी लगा दे। तो अब इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा? इस चीज को तो वही तरीके से, या तो स्वतः सुधार लाया जाए, सारे लोग सुधर जाएं, या फोर्सफुली कराया जाए, कोई ऐसा आदमी हो, कोई ऐसा सिस्टम हो, या ये बोल दिया जाए कि कुछ टाइम सुधारने के लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हो जाए, डिक्टेटरशिप हो जाए, या सस्पेंड कर दिए जाए कुछ टाइम के लिए। डेमोक्रेसी में प्रोविजन है, जैसे इमरजेंसी उसी प्रोविजन के लिए लगाई गई थी, महामारी के टाइम पे पेंडेमिक एक्ट पे आपके बहुत सारे बेसिक राइट छीन लिए गए थे या सीज्ड कर दिए गए थे फॉर द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी। या तो कुछ ऐसे किया जाए, या स्लोली एंड स्लोली एक एजुकेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए जहां हमें हम एक जिम्मेदार नागरिक डेवलप कर सके। अमेरिका ने बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया था, लेकिन आप देखिए ट्रंप के हार के बाद क्या हुआ, वहां पे भी डेमोक्रेटिक सिद्धांतों का एक दो दिन ही भले वो चला, लेकिन वो तार तार हो गया। जब हम अपने दायरे से, अपने डिसिप्लिन से बाहर निकलते हैं, तो राजतंत्र हो चाहे जो भी हो, वहां पे टर्मोइल शुरू हो जाता है। तो करप्शन को रोकने का तरीका किस एंगल से देख सकते हैं? या तो टॉप से होगा या बॉटम से होगा, या तो बहुत फास्ट होगा या तो हम स्लोली और ग्रेजुअली इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इवोल्यूशन, तो मे बी पॉसिबल 300 साल के, अमेरिका की 300 साल की है, उसके कंपेरिजन में 70 साल जो है बहुत कम है, तो वो मैं ये भी मान सकता हूं कि ग्रेजुअल जो है इवोल्यूशन पॉजिटिव वे में होगा, लोग सेंसिटिव होंगे। अभी एक चीज और पॉजिटिव चीजें हैं, पहले नेता अंगूठा छाप होते थे, इलिटरेट होते थे, आज संजोग की बात ये है कि MBA पढ़े लिखे लोग, और छोटे छोटे गांव के प्रधान के इलेक्शन में मैंने ये देखा था, बिहार में एक महिला है वो लंदन या अमेरिका में रहती थी, वहां से छोड़ करके आई और ग्राम प्रधान का इलेक्शन जीती, और कई लोग IAS भी थे वो छोड़ करके जो है ग्राम प्रधान जीते हैं। ये चेंजेस हो रहा है, अब हमको डिसाइड ये करना है किस पेस पे, किस स्पीड पे हमें करना है, कितनी तेजी से करना है। लेकिन ये चेंज जो आपने बोला फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये तीन एंगल से हो रहा है, जो शासन है वो भी चेंज ला रहा है नियम कानून को बदल के, सख्ती से चीजों को लागू करके, पब्लिक जो है वो भी अवेयर हो रही है। आज की डेट में हम देखते हैं दूसरी दुनिया में ये हो रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो हम खुद भी डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं। तो ये दोनों तीनों एंगल से अगर देखा जाए हो रहा है, टर्मोइल अभी भी है, वो डाइवर्सिटी यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि 100% आदमी को आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम आप दे दीजिए, यहाँ किसी न किसी गली में आप देखेंगे शाहीन बाग होता रहेगा, किसान आंदोलन होता रहेगा सर।